बहुत सारे लोग हैं, लेकिन मैं इसलिए क्योंकि ये फ्रंट लाइन में है तो मुझे दिख गए, और दिख गए तो मुझे लगा कि अच्छा होगा, इसलिए क्योंकि कभी जो आज पीछे बैठे हैं उनको भी फ्रंट लाइन में आना है। संविधान दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में भाग ले रहे सभी प्रतिनिधियों को मेरी संविधान दिवस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। मुझे बताया गया है कि संविधान दिवस से जुड़े विषयों के साथ साथ इस कंक्लेव में शिक्षा, एंटरप्रेन्योरशिप और अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के आर्थिक सशक्तिकरण के मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया गया। इस कंक्लेव के आयोजन तथा बहुत ही प्रासंगिक विषयों के चयन के लिए मैं आयोजकों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। इसी वर्ष बाबा साहब का 14 अप्रैल को उनका जो जन्म दिवस था, तो उस दिन मुझे उनकी जो पवित्र जन्म स्थली थी मऊ, जहाँ से थावरचंद गहलोत जी भी आते हैं, सत्यनारायण जटिया जी भी आते हैं, वहाँ पर जाने का मुझे मौका मिला था। उसी दिन संयोग से राष्ट्रपति भवन में एक पुस्तक, 90 पृष्ठ की पुस्तक थी सायंकाल, उसकी एक प्रति मुझे भेंट की गई। एक छोटा सा कार्यक्रम भी आयोजित हुआ था। वो पुस्तक का नाम था डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर, व्यक्ति नहीं बल्कि संकल्प। और वो पुस्तक में जो बाबा साहब के बारे में जो विचारों का उल्लेख किया गया है, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो ऐसा उन्होंने बाबा साहब को देखा, सुना और अपने जीवन में ढाला, उसका एक संस्मरण उस पुस्तक में किया गया। और मैंने इस पुस्तक का उल्लेख इसलिए किया है कि बाबा साहब का जो विजन था, उसकी जो व्यापकता और उनकी प्रेरणा के अनुसार जो चल रहे प्रयास और उन्होंने क्या सोचा था, एक विशेष वर्ग के लिए नहीं बल्कि पूरे देश के लिए और सही मायने में पूरी मानवता के लिए, ये उसका उसमें बहुत संक्षेप में विवरण है। भारत सरकार द्वारा बाबा साहब से जुड़े महत्व को जिसका उल्लेख किया आदरणीय मंत्री जी ने कि कई तीर्थ स्थलों को विकसित किया गया है, मऊ में उनकी जन्मभूमि, नागपुर में दीक्षा भूमि, दिल्ली में परिनिर्वाण स्थल, मुंबई में चैत्य भूमि, और जो उसमें सबसे नया एडिशन है वो लंदन में अम्बेडकर मेमोरियल, इन सबको तीर्थ स्थलों की श्रेणी में रखा गया। साथ ही दिल्ली में अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर की स्थापना करके दिसंबर 2017 से आम विजिटर्स के लिए खोल दिया गया। आगामी 6 दिसंबर को, ठीक 6 दिन बाद, बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस देश मनाएगा। वह दिन भी सभी देशवासियों के लिए इन तीर्थ स्थलों पर जाने का और बाबा साहब के विषय में जानने का एक विशेष अवसर होगा। वर्तमान सरकार ने डॉक्टर अंबेडकर के सम्मान तथा उनके नाम और काम को आगे बढ़ाने के जो अभियान चलाए हैं वो सचमुच में सराहनीय है। सरकार द्वारा समावेशी विकास तथा वंचित वर्गों के उत्थान को उच्च प्राथमिकता देने के लिए केंद्र सरकार के प्रतिनिधि भी सभी बधाई के पात्र हैं। इसी सप्ताह 26 नवंबर को संविधान दिवस पूरे देश ने मनाया, और उसकी भी एक बड़ी लंबी कहानी है कि जब मुझे जानकारी मिली कि इसको सुप्रीम कोर्ट जो है वो लॉ डे के बतौर 1990 से सेलिब्रेट करता था, लेकिन उसको सुप्रीम कोर्ट परिसर में सेलिब्रेट करता था। जब मैंने टेक ओवर किया तो मैंने तत्कालीन चीफ जस्टिस से निवेदन किया
कि अच्छा होगा कि आप सुप्रीम कोर्ट के प्रिंसिस से बाहर आकर के जनता के बीच में मे बी द केस ऑफ विज्ञान आप यहाँ से भी वेट करें तो अच्छा लगा। पिछले वर्ष बहुत अच्छा लगा कि वो दो दिवसीय कार्यक्रम हुआ सरकार की मदद से भी और सुप्रीम कोर्ट की मदद से, और इस वर्ष भी अभी 26 नवंबर को हम सब लोगों ने मिलकर के उस दिन को सेलिब्रेट किया संविधान दिवस। और वो समारोह विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के संविधान निर्माता के रूप में बाबा साहब को याद करने का अवसर था। उस समारोह में भारत के उच्चतम न्यायालय के लगभग सभी न्यायाधीशों, जो मुझे बताया गया था चीफ जस्टिस साहब बता रहे थे कि उनके सुप्रीम कोर्ट में एज ऑन टुडे द स्ट्रेंथ इज 28 जजेस, और उन 28 जजेस में यहाँ पर इसी हाल में आप सबके जहाँ बैठे हुए हैं इसमें 27 सुप्रीम कोर्ट के जजेस यहाँ पर उनकी उपस्थिति थी। उस समारोह में भारत के उच्चतम न्यायालय के लगभग सभी न्यायाधीशों, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, थाईलैंड और नेपाल, यानी एक कंट्री का एक जो ग्रुप बना है वो बिम्स्टेक देशों के सर्वोच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों सहित न्याय व्यवस्था से जुड़े अनेक गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। उन सभी का उपस्थित होना न्याय के प्रतीक पुरुष मैं बाबा साहब को मानता हूँ, और बाबा साहब के व्यक्तित्व और योगदान के प्रति समुचित सम्मान का एक प्रदर्शन था। हम सब लोग जानते हैं, जो इतिहास को जानने वाले हैं और इतिहास के जो स्टूडेंट्स भी हैं उन लोगों को याद होगा कि गांधी जी कहा करते थे, एक कथन था गांधी जी का जिसमें गांधी जी कहा करते थे कि यदि डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिभा का उपयोग संविधान निर्माण के लिए नहीं किया गया तो इसमें डॉक्टर अंबेडकर का नहीं बल्कि देश का नुकसान। गांधी जी ने उनके बारे में बहुत बड़ी बात, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि देश के प्रथम मंत्रिमंडल में बाबा साहब पहले कानून मंत्री बने, इसके अलावा उन्हें कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई, हमारे संविधान के निर्माण में बाबा साहब के योगदान की, संविधान सभा के सदस्यों और विशेष रूप से सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भी उनकी पूरी पूरी प्रशंसा की थी। हम लोग ये भी जानते हैं कि भगवान बुद्ध की विचारधारा का, विशेषकर प्रज्ञा, करुणा और समता का जो उनका संदेश था, बाबा साहब के चिंतन पर बहुत गहरा असर था। समता, बंधुता, स्वतंत्रता तथा सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के आदर्शों को बाबा साहब ने हमारे संविधान के प्रीएम्बल, फंडामेंटल राइट्स तथा डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में उचित स्थान दिया। समता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, उद्योगों के प्रबंधन में मजदूरों की भागीदारी, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्बल और पिछड़े वर्गों की शिक्षा और आर्थिक हितों की वृद्धि, काम की न्याय संगत और मानवीय दशाओं की व्यवस्था जैसे अनेक प्रावधानों पर बाबा साहब की छाप स्पष्ट दिखाई दी। बाबा साहब ने समता, करुणा और बंधुता के आदर्शों को समाज के धरातल पर उतारने का जो लंबा और अहिंसात्मक संघर्ष किया वो उन्हें एक युग पुरुष का दर्जा दिलाता है। 1927 के महार सत्याग्रह और 1932 के पूना पैक्ट के बाद वे एक लिविंग लीजेंड के रूप में प्रतिष्ठित हो चुके थे, और हम में से बहुत कम लोग जानते हैं, देश के बहुत कम लोग जानते हैं उस समय बाबा साहब की उम्र मात्र 41 वर्ष थी। पूरे देश में उन्हें बड़ी बड़ी जनसभाओं में मानपत्र भेंट किए जाते थे। 1900 में कुछ बातों का मैंने जानबूझ के उल्लेख किया है बाबा साहब के व्यक्तित्व के बारे में कि 1942 में मुंबई में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी और अन्य 45 संस्थाओं ने मिलकर उनका जन्म जयंती उत्सव 10 दिनों तक मनाया था। उन्हें वो अपार स्नेह और
और सम्मान इसलिए मिलता था क्योंकि उन्होंने सदियों से अशिक्षा और सामाजिक अन्याय के तले दबे कुचले लोगों में आशा, आत्मविश्वास और आत्मगौरव का संचार किया। बाबा साहब ने समाज के वंचित वर्गों में जागृति पैदा करने, उन्हें संगठित करने और आगे बढ़ने की प्रेरणा देने में अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया था। बाबा साहब शिक्षा पर बहुत जोर देते थे, जिसका उल्लेख आज हमारे अजमान साहब ने भी किया। मुद्दा सामयिक है और बाबा साहब ने तो एक मंत्र दिया था, शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित थे। और उन्होंने जो क्रम दिया था, क्रम को बहुत उसकी ब्यूटी, मतलब क्रम कितना प्रासंगिक है। ही वाज सेइंग फर्स्ट यू गेट योरसेल्फ एजुकेटेड, देन यू थिंक फॉर स्ट्रगल एंड देयर आफ्टर फॉर ऑर्गेनाइजेशन। कभी कभी हम उल्टा चल देते हैं, उस पर प्रॉब्लम हो जाती है। मुझे ये जानकर प्रसन्नता हो रही है कि आप सबके फोरम ने इसी मंत्र को अपनाया भी है। मुझे बताया गया है कि इस कंक्लेव में शिक्षा से जुड़े विषयों पर भी चर्चा होगी। सही मायने में शिक्षा ही हर व्यक्ति के विकास का मूल आधार होता है। मात्र किताबी शिक्षा पर्याप्त नहीं होती है, शिक्षा एक और होती है जिसको हम कहते हैं दुनियादारी की शिक्षा या व्यवहारिक ज्ञान। वो बहुत जरूरी, उसी शिक्षा के माध्यम से, ये जो दुनियादारी की शिक्षा की मैंने बात की, उसी के माध्यम से इंसान अपने भले और बुरे की पहचान को समझ पाता है, इसलिए वो बहुत जरूरी है। देवी और सज्जनों, महिलाओं के सशक्तिकरण और सार्वजनिक जीवन में उनकी भागीदारी को बाबा साहब बहुत महत्व देते थे। सन 1942 के जुलाई महीने में उनके नेतृत्व में आयोजित एक सम्मेलन में, उस समय की बात है 42 की, 75,000 डेलीगेट्स जिन्होंने वो कंक्लेव अटेंड किया था, उसमें 25,000 अर्थात 50% उसमें हमारी बहनें थी। यदि हम इस बात पर ध्यान दें कि वो सामाजिक पिरामिड के आधार में स्थित वर्गों की सभा थी, तो ये अंदाज लगाया जा सकता है कि महिलाओं की इतने बड़े पैमाने पर भागीदारी कितनी बड़ी बात थी। उस समय देश में औसतन जो साक्षरता थी वो लगभग 15% थी और महिलाओं की साक्षरता तो उससे भी कम थी। लेकिन ऐसी पृष्ठभूमि में महिलाओं की भागीदारी का जो प्रभावशाली उदाहरण बाबा साहब ने प्रस्तुत किया था, उसे आगे बढ़ाना पूरे समाज और देश का दायित्व, हम सबका भी दायित्व। मुझे ये जानकर खुशी होती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सुकन्या समृद्धि, किशोरी योजना, उज्ज्वला योजना और सुरक्षित मातृत्व अभियान जैसे अनेक कार्यक्रमों के जरिए महिलाओं को शिक्षित, स्वस्थ और स्वावलंबी बनाने की दिशा में प्रयास हो रहे हैं, जिनके अच्छे परिणाम भी देखने को मिल रहे हैं। सेक्स रेशियो में भी काफी सुधार हुआ है। जनधन योजना के तहत 17,60,00,000 से भी अधिक महिलाओं ने अपने खाते खोलकर आर्थिक समावेश का नया इतिहास रचा है। इस योजना के तहत आधे से अधिक खाते महिलाओं के, देश के अधिकांश क्षेत्रों में स्वच्छ भारत मिशन के तहत खुले में शौच से मुक्ति का लक्ष्य प्राप्त करने में भी बेटियों और बहनों के जीवन में स्वास्थ्य, सुरक्षा, आत्मसम्मान और शिक्षा की दृष्टि से बहुत बड़ा बदलाव आया। इनमें बहुत बड़ी संख्या उन बेटियों और बहनों की है जो समाज के वंचित वर्गों से आते हैं। आज जब मैं देश के विश्वविद्यालयों के कन्वोकेशंस में जाता हूँ तो मुझे ये देखने को मिलता है कि उच्च स्थान और मेडल पाने वाले विद्यार्थियों में बेटियों की संख्या अधिक होती है। ये सभी बदलाव महिलाओं की भागीदारी पर बाबा साहब के विचारों के अनुरूप है। अर्थात यदि हम ये कहें कि जो महिलाओं के आगे लाने में बाबा साहब की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण थी,
ये उसी का परिणाम है जो आज हमें देखने को मिलता है। अपने भाषणों में बाबा साहब अक्सर ये संदेश देते थे जो बहुत महत्वपूर्ण है। वो कहते थे कि दूसरों की सहायता पर जीना मत सीखो, स्वावलंबी बनो। मैं फिर रिपीट करता हूँ, दूसरों की सहायता पर जीना मत सीखो, स्वावलंबी बने। और उन्होंने स्वयं भी जो किया था, तो टीचर भी थे, लेक्चरर भी थे, प्रिंसिपल भी थे, और सबसे बड़ी बात ये उन्होंने स्वयं भी अपनी एक लॉ फर्म की स्थापना की। इसके पीछे एक उद्देश्य है। ऐसा नहीं है कि हम कहाँ, अर्थात बाबा साहब की सोच ये थी कि आप अपने पैरों पर जब खड़े हो सकते हैं तभी आप देश को या समाज को एक आप दिशा दे सकते हैं। अर्थात फिर हम भी उसी बेगर की भांति रहेंगे कि दूसरे के सामने हाथ फैलाते रहेंगे अपने हर काम के लिए, तो उस समय आप समाज को जो नेतृत्व देना है वो हम नहीं दे पाएंगे। स्वावलंबी बनाने की दिशा में आज जो सरकार कर रही है उसमें मुद्रा योजना, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंडअप इंडिया और अनुसूचित जाति के उद्यमों के लिए, जिसका कि थावर चंद जी ने भी उल्लेख किया, वेंचर कैपिटल फंड जैसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, उनका हमें लाभ लेना चाहिए। यदि हम नहीं ले सकते हैं तो दूसरों को जो पीछे छूट गए हैं उनको प्रेरित करना चाहिए कि जो हमें सरकार से लाभ मिल रहे हैं वो लाभ तो हम उठाएं और उससे कहीं ना कहीं फायदा तो जरूर होगा। मुझे आशा है कि डॉक्टर आम्बेडकर चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा नौजवानों की प्रतिभा और महत्वाकांक्षा को सरकार साकार रूप देने में सहायता प्रदान की जा रही है। आप सबको एक और भी संगठन है डिक्की, जिसका नाम सब लोग जानते हैं। इस संस्था के इन ऐसी संस्थाएं और भी हैं। मेरा आप सबसे आप सबको सुझाव होगा कि ऐसी सभी जो वंचित वर्गों के आर्थिक उत्थान के लिए जो संस्थाएं काम कर रही हैं उन सबके बीच ही एक कोऑर्डिनेशन और आपस में समझ करके इंटरेक्शन करके और सबको मिलजुल करके पूरे देश में एक इस प्रकार का अभियान भी चलाए अभियान चलाए। जो हम सर्विसेज की बात करते हैं, सर्विसेज कम होती जा रही हैं, सब लोग जानते हैं। इस प्रकार से यदि इनके बीच में आप देखेंगे, ये जो हमने जिसका नाम लिया है ये चैम्बर ऑफ कॉमर्स, जो आप सबका सहयोगी है, उनको देखिए, डिक्की के देखिए, कभी संपर्क में आए तो आपको लगेगा कि दे आर डूइंग ए फाइन वर्क फॉर द इम्प्रूवमेंट, इकोनॉमिक इम्प्रूवमेंट ऑफ द वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। आप सभी को एक महत्वपूर्ण बात पर और भी ध्यान देना है कि अनुसूचित जातियों और जनजातियों के अधिकांश लोगों में अभी भी संवैधानिक अधिकारों, केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रमों के विषय में पूरी जानकारी नहीं होती। इस संदर्भ में फोरम ऑफ एससी एंड एसटी लेजिस्लेटर्स एंड पार्लियामेंटेरियंस ऐसी संस्थाओं की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। बाबा साहब समाज, देश और व्यक्तिगत जीवन के सभी पक्षों में एक बहुत महत्वपूर्ण, जिसका मैं उल्लेख कर रहा हूँ, उनके जीवन का बहुत महत्वपूर्ण अंग है। सभी व्यक्तिगत जीवन के सभी पक्षों में नैतिकता के महत्व का विशेष उल्लेख करते थे। अपने निजी आचरण की नैतिकता और प्रमाणिकता के बल पर ही उन्होंने देश विदेश में असाधारण सम्मान अर्जित किया था। बाबा साहब व्यक्ति पूजा और आर्थिक शक्ति के संचयीकरण, आर्थिक शक्ति का संचयीकरण, इसके प्रबल विरोधी थे। और एक बाबा साहब के बारे में जो बहुत जानकार है उनसे मैंने पूछा कि आपके पास यदि कुछ इस प्रकार के डेटा मिल सके कि बाबा साहब की जब डेथ हुई थी या वो अपने जीते थे उनका बैंक बैलेंस क्या था, तो उन्होंने कहा कि साहब जो मेरी जानकारी है उनका बैंक बैलेंस नील था।
जिसका बैंक बैलेंस जीरो है और वो व्यक्ति भी समाज के वंचित वर्गों के लिए, समाज के उपेक्षित वर्गों के लिए और पूरी मानवता के लिए इतना काम कर सकता है अकेले अकेले दम पर, तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ी मैं इस बात का जानबूझ के उल्लेख किया क्योंकि मैं अब एक संवैधानिक पद पर हूँ, पद की मर्यादाएं हैं, लेकिन कहीं न कहीं जो लोग बाबा साहब को आइकन मानते हैं, अपना आदर्श मानते हैं, उनके लिए बाबा साहब का जीवन ही जो है वो सबसे प्रेरणादायी है। लेकिन कभी कभी बाबा साहब का नाम हम आगे करते हैं लेकिन उनके जीवन के जो उनके आदर्श थे उन आदर्शों को शायद हम कहीं न कहीं भूल जाते हैं। सही मायने में यदि हम उन्हें अपना आइकन मानते हैं तो हमारा दायित्व है कि जो उनकी सोच थी उसे हम अपने जीवन में ढालें, साथ ही उनकी सामाजिक संवेदना को अपने व्यक्तिगत आचरण में स्थान दें। आप सब आज जहाँ तक पहुँचे सभी लोग, कोई काम है, एक सांसारिक व्यवस्था है, प्रोटोकॉल है, या एक दुनियादारी में जो कहा जा सकता है कि कोई MP हो गया, कोई मिनिस्टर हो गया, कोई गवर्नर हो गया, तो एक उसके नाप तोल की जाती है उसी पैमाने से, लेकिन जहाँ पर भी आप चले थे, आप अपने बचपन से, मैं सभी के लिए कहता हूँ, उसमें देश का हर नागरिक उसकी भूमिका है और उसके सबका इतिहास एक जैसे ही है। वो जहाँ से चले थे बहुत आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन जहाँ तक आप पहुँचे हैं आप देखेंगे पीछे मुड़ करके तो न जाने कितने हैं आपके अपने हजारों लाखों लोगों को जो आपके सहपाठी थे, रिश्तेदार थे, वो सब छूट गए और छूट गए हैं। तो अब हमारा दायित्व बनता है कि हम जो छूट चुके हैं उनके लिए हम क्या मदद कर सकते हैं, और वो हम सब पर लागू होता है। आप सबको पूरी संवेदनशीलता और सक्रियता के साथ उन पिछड़ गए साथियों को भी आगे बढ़ाने में जितनी जो हैसियत है जिसकी, वो हमें मदद करती है। बाबा साहब द्वारा निर्मित हमारा संविधान राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक नैतिकता का एक जीवन दस्तावेज है, और अभी पिछले संविधान दिवस पर मैंने इसी बात का उल्लेख भी किया था कि मॉडर्न इंडिया का ये हमारा स्क्रिप्चर, मॉडर्न स्क्रिप्चर इसको हम ग्रंथ कहते हैं। आज की तारीख में संविधान ही हमारा गीता है, कुरान है, बाइबल है और गुरु ग्रंथ उसी के आधार पर हम आगे बढ़ सकते हैं, देश आगे बढ़ सकता है। मुझे विश्वास है कि सभी देशवासी संविधान में निहित आदर्शों की ओर पूरी निष्ठा से बढ़ेंगे। इस दिशा में ये फोरम और चैम्बर पूरी तत्परता से अपना योगदान देता रहेगा। अनुसूचित जातियों जनजातियों के हित में आप सबके प्रयासों से पूरा समाज और देश लाभान्वित होगा।